नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अमिन 24 न्यूज। कैसे आप देख पा रहे हैं कि राम मंदिर की खुशी में किस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और पूरे देश के अंदर लोग उत्साह मना रहे हैं। और किस तरीके से देख सकते हैं, हम पहुंचे हुए हैं इस समय करनाल के चमन गार्डन के अंदर, जहां पर फिलहाल देख सकते हैं यहां पर आतिशबाजियां भी जो है फिलहाल जरूर चलाई जा रही हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से श्री कृष्ण योग आश्रम के अंदर जो है एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है, जहां पर फिलहाल बता दें कि 5100 दिए जो है वो जलाए गए हैं और सभी जो लोग हैं वो किस तरीके से यहां पर जश्न जो है मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज राम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा देख सकते हैं, प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह की लहर है और कैसे सभी अलग अलग स्थानों और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर 5100 दिए जलाकर जो है आज खुशी मनाई जा रही है। और यहां पर फिलहाल सीधी तस्वीरें करनाल के चमन गार्डन से हैं, लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पटाखे भी आज जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां। आज करनाल शहर की अगर बात करें तो करनाल शहर में आज आतिशबाजियां देखने को मिल रही है। और फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, 5100 दिए जलाए गए हैं, जो कि मैं आपको इस समय दिखाने का भी प्रयास जो है वो कर रहा हूं किस तरीके से। तो देख सकते हैं मंदिर के अंदर भी किस तरीके से जो दिए हैं वो जलाए गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से 5100 दिए हर जगह पर इस तरीके से जलाए गए हैं। और अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह पर दिए ही दिए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये वो खुशी है जो हर एक के मन में है, जो हर एक के मन में है। और देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहां पर दिवाली भी एक तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही जश्न है। और ऐसे में फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के आज ही दिवाली है आपके लिए। आज का दिन क्यों खास है, क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन राम जी वनवास पूरा करके आए थे, घर पर आए। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देख सकते हैं बच्चों के लिए तो आज जरूर दिवाली है, क्योंकि उनको तो पटाखों का शौक जरूर होता है, लेकिन लोगों के मन में दिवाली जरूर है। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से काफी जश्न मनाया गया पूरे देश के अंदर और अभी रात को भी आतिशबाजियां चल रही हैं। हाँ जी, मैं रोबिन वर्मा श्री कृष्ण योग आश्रम से। और ये जो है ना रामलला जी की जो आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके लिए पूरा मैं कहूँ पूरा विश्व जो है, जो हमारे विदेशों में भी लोग बैठे हुए हैं हमारे, उनका भी आज मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, उत्साह से परिपूर्ण है हम सब। उसी की खुशी में आज हम यहाँ आतिशबाजी चला रहे हैं और जो है नाच गाना करके, और हमने 5000 से ज्यादा जो है 5100 हमने दिए यहाँ पर, 5100 दिए जलाए सभी। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी वजह से ये मंदिर बना है, मोदी जी की वजह से मंदिर बना है और मोदी जी को इसकी पूरी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफी ज्यादा खुश हैं, हालांकि अंदर जो है अंदर भी गुरुजी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, दिन है। और देख सकते हैं कि तस्वीरें आज काफ़ी अनोखी हैं, क्योंकि करनाल शहर में
रात के समय में भी लोग जो है किस तरीके से जो है वो आतिशबाजियां कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लग रहा है और क्या मन में बातें हैं, क्या कुछ कहना? आज ये भगवान के द्वापर युग की घटना है। भगवान राम स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकट हुए थे, वो समय के अनुसार चलते 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 आक्रमणकारियों की वजह से जो घटनाक्रम हुए उसमें सारा दृश्य बदल गया था, लेकिन आज प्रभु की उस अनंत कृपा से मोदी जी और योगी की अध्यक्षता में और सारे भक्तजनों की, राम जी के जो भक्त है, पूरे उत्साह से पूरा का पूरा जोर लगा दिया। पूरे भारत में, पूरे विश्व में, गली गली में, घर घर में दीवत जो जल रहे हैं। और आज दीपावली उतनी तो उस समय नहीं मनी थी जितनी आज दीपावली मन रही है। चारों तरफ भंडारे हो रहे, खुले दिल से एक दिन का भंडारा, चार दिन बैठ के घर खाओ, इतने जगह नहीं है रास्ते, मैंने सुन रहा हूँ कि रास्ते जाम हुए पड़े, करनाल में सैकड़ों जगह भंडारे, सैकड़ों जगह भंडारे हो रहे हैं, चलने की रास्ता नहीं है, जाम लगे पड़े हैं। इतना उत्साह है, प्रभु राम प्रसन्न हो, उनका स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहले भी थे लेकिन आज विशेष उन्हीं के स्थान पर, जन्म स्थान पर जो हुआ है वो अनंत अनंत बहुत बड़ी विशेष घटना है। और उस घटना के पीछे जो ऊर्जा है पूरे संसार में फैल रही है और हर व्यक्ति के हृदय में वही प्रेम, वही उल्लास, वही जागृत हो और हृदय हृदय शुद्ध हो, ताकि आपस में जो द्वंद्व हैं इन धर्मों के वो आपस में समाप्त होकर आपस में प्रेम प्यार हो, हम उनके धर्म को स्वीकार करें, यानी वो दें, सम्मान दें, हाँ वो हमारे धर्म को सम्मान दें और आपस में मिलकर रहें, यही हमारी शुभकामना है। और ऐसा ही हो, प्रभु राम जी जरूर करेंगे और ऐसा होगा भी। आज 5100 दिए जलाएंगे, हाँ आज 5100 दिए गुरु जी के और प्रभु जी के नाम से, उनकी प्रसन्नता के लिए ज्योति जगाई है और लड्डुओं का भोग सारे दुनिया को बांटा जा रहा है, नोट लुटाए जा रहे हैं, पटाखे बजाए जा रहे हैं, खूब हर उल्लास है, कीर्तन भजन हो रहा है, प्रभु राम के अर्पण है, वो पूरी तरह से वो स्वीकार करें और सदा सदा के लिए हम पर प्रसन्न हो और प्रसन्नता बना ही रहे हमारे। बिल्कुल, और लोग में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी का दिन, क्योंकि दिवाली तो होती है लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि राम जी को उनका जो महल है वो मिल गया है, अब वहीं पर जो है लोग उनसे मिलने के लिए जाया करेंगे और अपने परिवार सहित लोगों ने पहले से तैयारियां भी जरूर कर ली हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार बाकी है, क्योंकि आज सभी जो लोग हैं वो जा नहीं पाए हैं, क्योंकि आज काफी बड़ा जो समारोह था वहां पर और जिसका लाइव प्रसारण लोगों ने आज टीवी पर भी देखा। फिलहाल तस्वीरें करनाल के चमन गार्डन से, और सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और सभी को जय श्री राम कहना चाहेंगे। तो सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।